अगर आप ऐसा मज़ेदार लाजवाब रेस्टोरेंट के जैसा स्वादिष्ट मशरूम का सब्जी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आने वाले वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम मिस आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में शुभम मिस के किचन में। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से लाजवाब मज़ेदार मशरूम का सब्जी। सबसे पहले मैं ये मशरूम का पैकेट को खोलूंगी। मेरा बेटा खोल रहा है, वो जिद करने लगा कि मैं खोलूंगा। अब इसे साफ करेंगे। आप देख रहे कितना गंदा है। अब मैं मशरूम को सुसुम पानी में डाल दी। इसे हल्का से इस तरह से रगड़ना है। अब देखें कितना गंदा निकल रहा है, कितना गंदा पानी हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल ली हूँ। अब इसे कट करूँगी। एक एक करके सभी मशरूम को इसी तरह से कट कर लेंगे। अब मैंने सभी को कट कर लिया है। अब मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। 2 या 3 स्पून तेल डालूंगी। अब तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च, सूखी तेज पत्ता, समूचा जीरा। इसे ब्राउन होने तक छोड़ेंगे, 1 मिनट तक छोड़ेंगे। अब ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज और इसे गोल्डन होने तक छोड़ेंगे। अब ब्राउन कलर हो गया है। अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। अब कलर थोड़ा दूसरे जैसा हो गया है। अब मैं ऐड करूंगी हरी मिर्च और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ और इसे फ्राई करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी हरी मटर और इसे 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी 1 टमाटर का पेस्ट। इससे हरी मटर सॉफ्ट हो जाएगा। इसे फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 स्पून, जीरा पाउडर, वन बाय टू टी स्पून, गोल मिर्च पाउडर 1/4 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून,
टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें लाल मिर्च, गरम मसाला 1 स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून। मैंने दालचीनी, हरी छोटी इलायची, बड़ी इलायची को पाउडर बना लिया, अगर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर सब्जी में अच्छा आता है। अब मैं कस्तूरी मेथी के हरी पत्ती से गार्निश करूँगी। इससे खाना पचता और पेट भी ठीक रहता है। अब मैं सभी को मिक्स कर दूंगी, फ्राई करूंगी। 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब मैं बेसन 1 स्पून ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैं मशरूम को ऐड करूंगी और इसे फ्राई करेंगे। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे। इसे बीच बीच में ढक्कन ओपन करके चलाते रहें ताकि अंदर ना लगे। अंदर जले ना। मैं दही ऐड करूंगी। अब मैं नमक ऐड करूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब सॉफ्ट हो चुका है हमारा सब्जी। अब मैं बादाम का पेस्ट ऐड करूंगी। इसे मिक्स करेंगे। इसे लास्ट में देना है, बादाम का पेस्ट से चिपकने लगता है अंदर से सब्जी। बादाम का पेस्ट डालने से सब्जी और भी मजेदार बनता है, बहुत अच्छा स्वाद भी हो जाता है। अब मैं बटर ऐड करूंगी। आपका मन है तो पानी आप ऐड कीजिए, नहीं तो आप सूखी मशरूम का सब्जी बनाएं। आप इसे मिक्स करें और 4 से 5 मिनट तक पकने दें। इसे ढक्कन से ढक दें। अब हमारा मशरूम का सब्जी रेडी हो गया है। अब मैं गार्निश करूंगी हरी धनिया पत्ती से, बारीक कटा हुआ हरी धनिया पत्ती से गार्निश करूंगी और इसे मिक्स करेंगे।
इसे 2 मिनट पकने छोड़ देंगे। इसे ढक्कन से ढक देंगे, 2 मिनट छोड़ देंगे। अब रेडी हो गया, अब गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मशरूम का सब्जी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है, सभी को पसंद बहुत आता है। कितना अच्छा लग रहा है हमारा मशरूम का सब्जी। अब आप इसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।